पहला क्वेश्चन है, देखिए डी डी एक्स ऑफ sec tan इनवर्स एक्स। देखिए बच्चों यही सवाल है, हम लोग tan इनवर्स एक्स को t मानेंगे, tan इनवर्स एक्स को t मानेंगे तो sec t बनेगा और sec t का होता है sec t tan t, और डी डी एक्स ऑफ t का फिर से करेंगे। अब tan tan इनवर्स एक्स का मान x हो जाएगा, x sec tan इनवर्स x और इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर sec tan इनवर्स x। ये सवाल देखिए इनवर्स x को t मानेंगे, tan इनवर्स x को t मानेंगे दिख रहा है sec t, sec t का होगा sec t tan t और d dx ऑफ tan इनवर्स x, और tan tan इनवर्स x का मान x होगा और यहां tan इनवर्स x का 1 / 1 + x स्क्वायर। एक तरीका और भी है, tan इनवर्स को sec इनवर्स में बदल के भी कर सकते हैं, तो sec sec इनवर्स खत्म हो जाएगा तो आप कर लेंगे ना, ऐसा ही ठीक है। और देखिए बच्चों tan इनवर्स 4x / 4 - x स्क्वायर है। देखिए बच्चों अगर उस तरीके से करेंगे t मान के तो लंबा क्वेश्चन पड़ेगा, आप देखिए x स्क्वायर और यहां 4 है, तो चाहे तो आप x बराबर 2 tan थीटा रख दो आ जाएगा, चाहे तो आप उस रूप में 4 कॉमन लेकर बना लो, जैसे tan इनवर्स 4x / 4 का कॉमन ले लो तो 1 - x स्क्वायर / 4 राइट, तो यहां देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x / 1 - x / 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x को ऊपर, देखिए आपका सूत्र बन गया, देखिए tan इनवर्स 2 * x / 2 / 1 - x / 2 का होल स्क्वायर, यही है। अगर x / 2 को बेटा x / 2 को tan थीटा मानोगे तो x = 2 tan थीटा, जो शुरू में मैं कह रहा था यहीं से कर सकते थे, तो x / 2 को tan थीटा मानोगे तो x = 2 tan थीटा, वैसे यहां थीटा की जरूरत पड़ेगी अगर तो tan इनवर्स x / 2, क्योंकि लास्ट में थीटा की जरूरत पड़ेगी। अब यहां x / 2 की जगह रख दो tan इनवर्स 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा तो ये हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2 tan इनवर्स x / 2। एक बार फिर समझिए जरूर, 4x / 4 - x स्क्वायर, चाहे x की जगह 2 tan थीटा रख लेते, चाहे 4 कॉमन ले लिए, 4 से 4 कैंसिल, 1 - x स्क्वायर / 4, x स्क्वायर / 4 को x / 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 का गुणा 2 का भाग तो कर ही सकते हैं, देखिए सूत्र आपको दिख रहा है, देखिए 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा ब्रेन का काम है, 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा सूत्र है tan 2 थीटा का, तो 2 थीटा ही आ गया, देखिए सरल हो गया, 2 tan इनवर्स x / 2 है, डिफरेंशिएट कर देंगे d dx ऑफ y, 2 बाहर आ जाएगा 2 d dx ऑफ tan इनवर्स x / 2, तो tan इनवर्स t का होगा 1 / 1 + t स्क्वायर d dx ऑफ x / 2, तो हो जाएगा 2 / 4 + x स्क्वायर / 4 इंटू 1 / 2, x का एक हो गया 1 / 2, ये 4 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 / 4 + x स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है, चाहे तो ऐसे 4 कॉमन लेके, चाहे x = 2 tan थीटा डायरेक्ट भी रख देते तो भी आ जाता क्वेश्चन आपका हो जाता, ये 4 का वर्गमूल 2, तो x = 2 tan थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा बराबर x / 2। अब देखिए आप इसको थीटा बराबर tan इनवर्स x / 2, यही 3 त्रिका 9 होता है तो 3 tan थीटा मान लो, वो सेट करके दिया ही जाता, नहीं दिया रहेगा तब तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा, x 2 tan थीटा रख दिए, नीचे 4 - x स्क्वायर है तो 4 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए y बराबर tan इनवर्स 4 * 2 tan थीटा, 4 कॉमन ले लीजिए नीचे, 1 - tan स्क्वायर थीटा, देखिए वही चीज बन गई, 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर देखो tan इनवर्स 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा, सूत्र बन गया और ये हो गया tan इनवर्स
टेन टू थीटा, ये बन गया वाई बराबर टू थीटा, थीटा की वैल्यू अब रख दू वही आया। बस ये ध्यान रखना कैसे हम सूत्र बना सकते हैं। हाँ बना के दिया रहेगा तो बना पाओगे, अगर कुछ भी दे देगा या तीन दे देता पांच दे देता तब तो करना ही पड़ता। अब देखिए डी डी एक्स आप गई टू, इसका हो जाएगा टेन व टी का वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर बाई फोर डी डी एक्स आप एक्स बाई टू, तो टू अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर बटे फोर इन टू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल फोर अपॉन फोर प्लस एक्स टेन इनवर्स वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यही। तो इसको डायरेक्ट देखिए इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते आप, इसको टी मानिए टेन इनवर्स टी का वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और डी डी एक्स आप टी एक्स का एक देखिए वन का जीरो एक्स का एक एक्स स्क्वायर का टू एक्स तो वन प्लस टू एक्स बटे वन प्लस हो गया साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर अलग अलग करते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखिए बच्चों जब एक्स की स्क्वायर है देखो इसको टी मानेंगे टी स्क्वायर, देखिए दिमाग लगाइएगा अलग अलग तो कर ही लेंगे, टी स्क्वायर का होता है टू टी टू साइन इनवर्स एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हर बच्चा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है बच्चों ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर है तो क्या होगा और डी डी एक्स ऑफ टू टी टू कॉस इनवर्स एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। यहां देखिए टू साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू कॉस इनवर्स एक्स इसका माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया टू साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जिसका मान होता है पाई बाई टू, इसका मान पाई बाई टू होता है रख सकते हो पढ़े हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू टू से टू कैंसिल तो पाई बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो कोई गलत नहीं काट देगा लेकिन हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई टू, चाहता तो मैं यहीं से उसका यूज कर सकता था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख देता और साइन इनवर्स एक्स ऋण कॉस इनवर्स एक्स लिख देता और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यहां पाई बाई टू लिख देता लॉग टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर ये सब अपने आप कर लोगे आप, इसको टी मानो लॉग टी का वन अपॉन टी और डी डी एक्स ऑफ टी तो वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इसका करेंगे वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हर बच्चे ध्यान देगा लॉग टी का वन अपॉन टी हुआ डी डी एक्स ऑफ, अब इसको यू माने टेन इनवर्स यू का वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ यू, अब एक्स स्क्वायर का होगा टू एक्स बटे वन प्लस एक्स घात चार और टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए को टी मानेंगे बेटा कॉस इनवर्स टी का होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी दिमाग लगाइए एक्स अपॉन ए को टी कॉस इनवर्स टी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका वन अपॉन एक्स का एक होगा अब ए स्क्वायर का वर्गमूल है ए ऊपर चला जाएगा माइनस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन अपॉन ए से कैंसिल माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स टी है इसको टी माने माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ टी
अब यहां देखिए सॉल्व कर लिए, ए स्क्वायर एलसीएम तो ए स्क्वायर रेड एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मूल ए, ए ऊपर चला जाएगा, ए से कैंसिल आपका जवाब हो गया। टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन, इसको टी मानेंगे, टेन इनवर्स टी वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी, टू एक्स प्लस वन का टू हो जाएगा, वन का जीरो, टू बटे वन प्लस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, चाहे ब्रेकर तोड़ दीजिए चाहे रहने दीजिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, टू अपान फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, टू का ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, वन अपान टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको टी वन है, टेन और टी का वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक एक दो हो गया, दो कामन ले लीजिए नीचे दो से दो कैंसिल, बिना उसके सोचे कि लगा लेगा नहीं लगा पाएगा। लॉग टेन इनवर्स एक्स है, फिर देखिए वही लॉग टी, लॉग टी, लॉग टी का वन अपॉन टी और डी डी एक्स ऑफ टी, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग टी का क्या होगा वन अपॉन टी डी डी एक्स ऑफ टी, टेन इनवर्स एक्स का जानते हो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स यम टेन एक्स, तो यम टेन एक्स को टी मान लीजिए, तो यम टेन एक्स को टी मानेंगे, टेन इनवर्स टी का वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, यम टेन एक्स का होल स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टी यम टेन एक्स, यम तो बाहर आ जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यम सेक स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस यम स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी का होगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ यम टेन एक्स, यम टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इसको टी माने आप, टेन इनवर्स टी का सूत्र होता है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी, यम टेन एक्स का यम सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बटे एक्स हर एक्स डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का वर्ग, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की स्क्वायर, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स एक्स का वन बटे एक्स स्क्वायर, अभी हो गया आपका एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स बटे एक्स स्क्वायर, चाहे एलसीएम के रूप में कर दीजिए, एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बटे एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया। डी डी एक्स ऑफ एक्स सेक इनवर्स एक्स क्यूब, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, तो एक्स सेक इनवर्स टी का होता है वन अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन और डी डी एक्स ऑफ टी, सेक इनवर्स टी का होगा वन अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन डी डी एक्स ऑफ टी, और यहां एक्स का एक तो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का क्या होगा बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स की पावर छह रेड प्लस सेक इनवर्स एक्स क्यूब, यहां देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से बेटा एक्स क्यूब कट गए, तो थ्री बटे अंडर रूट एक्स की पावर छह रेड प्लस सेक इनवर्स एक्स क्यूब। ध्यान दीजिए यार बच्चा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, तो एक्स सेक इनवर्स एक्स क्यूब का एक्स क्यूब को टी माने, सेक इनवर्स टी का वन अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन डी डी एक्स ऑफ टी, एक्स और एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स गुणा हुआ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स की पावर छह रेड और यहाँ सेक इनवर्स एक्स क्यूब, टेन इनवर्स एक्स की पावर यम, साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, टी की पावर यम हो जाएगा यम टी की पावर यम माइनस वन
और डी डी एक्स ऑफ टी, तो यम साइन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यम बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन। भाई साइन इनवर्स एक्स को टी माने टी की पावर एम का एम टी की पावर एम माइनस वन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आज आप जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीख रहे हो, उस पर आधारित प्रतिस्थापन, तो इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। एक्सरसाइज में एग्जांपल लगवा रहे 8.3 का एस के पंडित की बुक से। अभी तक कल जो हमने 5 एग्जांपल लगवाया है, आज छठवां एग्जांपल लगवा रहे हैं। छठवें का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। छठवें का पहला क्वेश्चन y बराबर tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस cos x। ये ध्यान रखना बच्चों, 1 प्लस cos x कभी मिले इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x by 2, क्योंकि cos x का सूत्र होगा 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और 1 माइनस cos x मिले इसके जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, क्योंकि कॉस एक्स का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। थोड़ा करते करते प्रैक्टिस इन सब पर अभ्यास आपका अच्छे से हो जाएगा। वाई बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, साइन टू ए का सूत्र 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, और 1 प्लस cos x, cos x का वो सूत्र रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो हो जाएगा 2 cos square x by 2 minus 1, डायरेक्ट भी 1 प्लस cos x की जगह लिख सकते हो। y बराबर tan इनवर्स 2 sin x by 2 cos x by 2 बटे 2 cos square x by 2, cos x by 2 से एक कट गया 2 से 2, तो y बराबर हो गया tan इनवर्स tan x by 2, और tan इनवर्स tan x by 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग x by 2। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y x का एक हो जाएगा 1 by 2। आपका क्वेश्चन हो गया, लिंक भेजेंगे आप लोगों में। 6 का सेकंड है y बराबर tan इनवर्स sin x plus cos x। कल भी ये क्वेश्चन हुआ था, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं cos x का आंसर में डिवाइड करते हैं, उससे फायदा क्या होता है, देखिए tan इनवर्स cos x का डिवाइड करेंगे sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन cos x, और नीचे cos x बटे cos x और माइनस sin x बटे cos x, तो हो गया y बराबर tan इनवर्स tan x प्लस 1 नीचे 1 माइनस tan x, तो y बराबर हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x। अब 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x सूत्र होता है tan y by 4 प्लस x, tan इनवर्स tan pi by 4 plus x है, तो ये हो जाएगा pi by 4 plus x। अब d dx of y लेंगे pi by 4 का 0 x का 1, तो आपका हो गया d dx of y 1। cos x का आंसर में डिवाइड करेंगे, देखिए इससे फायदे की 1 plus tan x बटे 1 minus tan x, कई बार बताया हूं अगर ऊपर प्लस है तो बनेगा tan pi by 4 plus x, और 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x है ये tan pi by 4 प्लस x, अगर 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x है होगा tan pi by 4 माइनस x, दोनों की जरूरत पड़ेगी जब भी cos x प्लस sin x बटे cos x माइनस sin x, या cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x होगा, तो cos x का डिवाइड करके इस रूप में बना लेंगे। बराबर sec इनवर्स
रूट एक्स बटे रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन बटे रूट एक्स। बच्चों बहुत आसानी से देखिए, सेक इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं, सूत्र पढ़े थे कॉस इनवर्स वन अपान एक्स, सेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन अपान एक्स। तो सेक इनवर्स देखिए सेम चीज है, इसको आप पलट सकते हो, वाई बराबर लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस वन बटे रूट एक्स, उलट दीजिए प्लस यहाँ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन बटे रूट एक्स। और आप ये भी पढ़े हो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, पढ़े हो। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स है तो इसका मान हो गया पाई बाई टू, और पाई बाई टू हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई बाई टू को जीरो। सूत्रों पर पकड़ आप बनाइए, बहुत कठिन नहीं है। देखिए सेक इनवर्स रूट एक्स बटे रूट एक्स माइनस वन है तो रेसिप्रोकल इसका कॉस होता है कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स, तो बदल गया। अब देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है पाई बाई टू, और इसका अवकलन जीरो हो गया। ये दो सवाल सातवें का, इन दोनों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है इसका, वाई बराबर मान लीजिए टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, यही सवाल है। मैंने आपको हमेशा बताया कि वन माइनस कॉस एक्स है तो ध्यान रखे रहिए टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि कॉस एक्स का सूत्र वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लगेगा, वन से वन कैंसिल हो जाता है, और वन प्लस कॉस एक्स है तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि कॉस एक्स का सूत्र लगेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल। अब यहाँ यूज कर लीजिए टेन इनवर्स, इसके जगह लिखेंगे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसके जगह टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, वाई बराबर टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, आई होगा वाई बराबर टेन इनवर्स टेन एक्स वाई टू, और टेन इनवर्स टेन एक्स वाई टू हो जाएगा एक्स वाई टू। तो जब इसका अवकलन लेंगे, अवकल गुणांक याद करेंगे, एक्स का एक हो जाएगा वन बाई टू, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स बटे वन माइनस साइन एक्स, यही सवाल है। वन प्लस साइन एक्स बटे वन माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे वाई बराबर टेन इनवर्स। देखिए साइन एक्स रहेगा दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सूत्र लगा दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू वन की जगह, और साइन एक्स का मान टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, नीचे वन का कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। एक तरीका और भी हो सकता है साइन एक्स को कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, एक तरीका ये भी हो सकता है कि अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, देखिए ध्यान दीजिएगा वन माइनस साइन एक्स है तो अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का गुणा भाग करके भी कर सकते हो, देखिए भी ट्राई करेंगे उससे भी। तो वाई बराबर टेन इनवर्स ये बन जाएगा ऊपर कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल समाप्त हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, और नीचे कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। वर्ग बन गया, अब क्या करेंगे कॉस एक्स वाई टू का आंसर हमें डिवाइड करेंगे, जब भी इस रूप में आता है तो आप जानते हो कॉस एक्स वाई टू का डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे कॉस एक्स वाई टू का तो बचेगा यहाँ वन प्लस टेन एक्स वाई टू, कई क्वेश्चन लगवा चुके इस टाइम, नीचे वन माइनस टेन एक्स बाई टू, और ये सूत्र है टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, थीटा का मान एक्स बाई टू, तो बनेगा वाई बराबर टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू।
तो डी डी एक्स ऑफ वाई पाई बाई फोर का जीरो एक्स का एक बटे दो वाई बराबर कॉट इनवर्स इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू वन की जगह और साइन एक्स का मान टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू और यहाँ देखिए वन की जगह कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइ प्लस हो जाएगा टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू हो जाएगा वाई बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर अब रूट खत्म हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू और नीचे कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम वही काम कॉस एक्स वाई टू का डिवाइड करेंगे वाई बराबर कॉट इनवर्स वन प्लस टेन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू का डिवाइड करेंगे हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर और नीचे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू बटे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। अब हम कॉस एक्स वाई टू को आंसर में डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या कॉट इनवर्स वन माइनस टेन एक्स वाई टू बटे वन प्लस टेन एक्स वाई टू। अब इसका सूत्र हम लोग जानते ही हैं क्या होता है इसका सूत्र कॉट इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स वाई टू। अब बच्चों ध्यान देना यहां टेन मिला है टेन हमको कॉट मिलना चाहिए तो आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। इस देखिए जैसे टेन थीटा के लिए लिखा हो तो इसको लिख सकते हो कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इसी का टेन थीटा को हम लिख देंगे कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू माइनस इतना जो होगा बाद में सॉल्व करेंगे पहले ध्यान दीजिए कॉट थी टेन थीटा को लिख देंगे कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा ये थीटा है टेन थीटा को कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। अब ये कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाएगा बचे जाएगा पाई बाई वाई बराबर पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू पाई बाई टू में पाई बाई फोर गया पाई बाई फोर बचेगा माइनस माइनस प्लस हो गया और डी डी एक्स आप वाई पाई बाई फोर का जीरो एक्स का एक बटे दो। हर बच्चा ध्यान देगा वन की जगह लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू को होल स्क्वायर कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू को होल स्क्वायर वर्गमूल हट गया हो गया कॉस एक्स वाई टू का डिवाइड तो वन माइनस टेन एक्स वाई टू बटे वन प्लस टेन एक्स वाई टू सूत्र होता है टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स वाई टू। अब चूंकि यहाँ टेन है तो कॉट टेन थीटा को कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होता है पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और पाई बाई टू में पाई बाई फोर गया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू अवकल गुणांक इसका होगा पाई बाई फोर का जीरो इसका एक बटे दो। उस तरीके से भी ये सवाल लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए वन के जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस जैसे भी कर रहे थे एक तरीका भी और है कि अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा करके तो पहले हम लोग पहला तरीका इस्तेमाल करते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू साइन एक्स को टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू जैसे भी कर रहे थे मैंने कहा जब भी रहेगी इस तरीके से आप कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू सेम ऐसे नीचे
अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। यहां माइनस है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू साइन एक्स वाई टू कॉस। अभी क्या बन गया, टेन इनवर्स ये रूट में बना कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, और ये बना आपका दूसरा वाला पार्ट प्लस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। सेम नीचे लेंगे तो यहां होगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, यहां होगा कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। अभी देखिए वर्ग है तो रूट खत्म हो गया, तो बना क्या टेन इनवर्स कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। नीचे क्या बना होगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, यहाँ रीड है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, क्योंकि मिलेगा कॉस एक्स वाई टू रीड साइन एक्स वाई टू, लेकिन रीड बाहर है चिन्ह बदल जाएगा। अब इससे कैंसिल हो गया, यहां कॉस एक्स वाई टू कैंसिल हो गया, ऊपर मिला टेन इनवर्स टू कॉस एक्स वाई टू बटे टू साइन एक्स वाई टू, हो गया टेन इनवर्स कॉट एक्स वाई टू। कॉट एक्स वाई टू को हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस एक्स वाई टू, टेन में चेंज किए कॉट थीटा को टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, हो जाएगा पाई बाई टू डी डी एक्स वाई टू। अब जब डी डी एक्स आप वाई करेंगे पाई बाई टू जीरो एक्स का ये एक बटे दो। चार प्रकार से बन सकते हैं, एक तो ऐसे, एक तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, कॉस वाला भी बन सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है वाई बराबर, हम लोग अगली लाइन देखिए ध्यान समझिएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। इसमें जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसका मतलब कुछ प्रैक्टिस में कमी है, या तो 11 में कोई दिक्कत है, नहीं तो बहुत मजेदार है, बहुत मजा आती है लगाने में। अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, माइनस है तो प्लस है। गुणा कर देंगे, यहां देखिए रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर तो हो गया टेन इनवर्स रूट ए यानी कि रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट बी वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी। अब नीचे देखिए रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी होने का मतलब वन प्लस साइन एक्स ए माइनस बी वन माइनस साइन एक्स। यहां देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां देखो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्क करेंगे रूट खत्म, तो हो गया वाई बराबर टेन इनवर्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, तो जब इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स राइट प्लस टू रूट ए बी, टू रूट ए बी वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन। सभी लोग जानते हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, और नीचे देखिए वन प्लस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स, वन से वन कैंसिल यहां साइन एक्स साइन एक्स, तो वाई बराबर हो गया टेन इनवर्स
टू प्लस टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे टू साइन एक्स, तो टेन इनवर्स टू कॉमन ले लेंगे, टू प्लस टू कॉस एक्स हो गया है बटे टू साइन एक्स, टू कॉमन ले लेंगे तो टेन इनवर्स टू कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस कॉस एक्स बटे टू साइन एक्स। अब वन प्लस कॉस एक्स को आपको याद हो गया होगा टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स का टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स। अब यहां देखिए दो से दो कैंसिल, एक कॉस एक्स वाई टू तो मिला टेन इनवर्स कॉट एक्स वाई टू, और कॉट एक्स वाई टू को हम लिख सकते टेन पाई बाई टू माइनस एक्स वाई टू, हो गया पाई बाई टू डी डी एक्स बाई टू, डी डी एक्स आप वाई पाई बाई टू का जीरो, एक्स का एक बटे दो, डी डी बटे दो। वाई बराबर कॉट इनवर्स वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, डी डी एक्स आप वाई निकालना है। तो देखिए बेटा कल भी बताए थे हम, अगर वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स है इस तरीके से एक्स गया टेन थीटा रख दो। मैंने ये भी बताया था कि अगर अंडर रूट में हो तब जो है एक्स की जगह कॉस थीटा, ध्यान दीजिए दोनों में अंतर है, अंडर रूट वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स होता तो एक्स की जगह कॉस थीटा रखता। क्यों? क्योंकि वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा दोनों सूत्र बनते। अब यहां जो है आप एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे, रूट होने पर इसलिए कहते हैं कि वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, तो रूट अगर होता है तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू, तो आराम से साल पे लेकर रूट नहीं रहेगा तब तुम रख दोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो कॉट इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, कहां कैंसिल हो पाएगा, तब इस केस में एक्स की जगह क्या रखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा रखेंगे तो वाई बराबर कॉट इनवर्स वन माइनस टेन थीटा बटे वन प्लस टेन थीटा। सभी लोग जानते हो सूत्र है किसका, कॉट इनवर्स बार बार मिलता है सूत्र, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब टेन है तो इसको कॉट बनाना पड़ेगा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही जरूरी है ध्यान रखना, देखिए वन माइनस टेन थीटा बटे वन प्लस टेन थीटा टेन पाई बाई फोर इन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। अभी मिलेगा वाई बराबर पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस थीटा, पाई बाई टू में पाई बाई फोर गया पाई बाई फोर प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू वहां से रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि x बराबर क्या था tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे अपने आप पता चलेगा कि हमको ये पाई बाई फोर का जीरो इसका वन कब क्या करना है पता लग जाए। ध्यान देना वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स है तो x की जगह tan, यही रूट में होता बच्चों x बराबर cos थीटा रखते, क्योंकि अगर अभी यहां कॉस थीटा रख देंगे तो कॉट इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, तो कहां खत्म हो पाएगा, टेन थीटा बाई टू होगा तभी खत्म, रूट में हो टेन थीटा बाई टू। तो ध्यान दीजिएगा ये सोचना है कि कब क्या रखना है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का सूत्र पढ़ा है, पढ़ाओ साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ वैसा ही है देख लीजिए आप लोग, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का वर्ग माइनस रूट एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए एक्स का काम एक्स कर रहा है वाई का काम रूट एक्स कर रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र बन रहा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स के जगह जो है
साइन ए मान लीजिए और रूट एक्स की जगह साइन बी मान लीजिए। डायरेक्ट भी ये सूत्र लिख के लगा सकते हो, सूत्र दिख रहा है आपको। तब देखिए क्या होगा, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन बी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर। देखिए सूत्र अपने आप दिखने लगा यहां, देखिए एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर हो गया साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी माइनस ए होगा कॉस ए साइन बी। किसका सूत्र बना बच्चों, साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी। तो मिलेगा क्या आपका, वाई बराबर ए माइनस बी एक्स बराबर साइन ए। तो सूत्र ए बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स और बी बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। तभी भी मैं कह रहा था डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का सूत्र है, वाई का मान रूट एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का वन अपर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स रूट एक्स है कंपोजिट फंक्शन है, एक्स की जगह रूट एक्स को टी मानेंगे तो होगा वन अपन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी जिसको टी माइनस का फिर से, तो हो गया वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन टू रूट एक्स अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का वर्ग एक्स आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं इसको, देखिए सवाल को ही देखिए, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ किया नहीं हूं मैं, केवल इसी एक्स को लिख दिया रूट एक्स का वर्ग लिख ही सकते हैं। अब आप देखिए सूत्र आपका बन गया, देखो एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको वाई मान लीजिए इसको एक्स, तो सूत्र बनेगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह साइन ई इसकी जगह साइन बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का सूत्र ए माइनस बी एक्स बराबर अगर साइन ए तो ए बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स बराबर साइन बी बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसमें रूट एक्स को टी मानेंगे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का वर्ग डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का वन अपॉन वर्ग। ध्यान समझिए सवाल में ही सब कुछ है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का वर्ग माइनस रूट एक्स अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सूत्र है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, वाई का काम कौन कर रहा है रूट एक्स, तो देखिए सूत्र हो गया। लेकिन अगर आप देखिए प्रतिस्थापन पहला और ये दूसरा एक्स की जगह साइन ए रूट एक्स की जगह साइन बी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी साइन और साइन ए माइनस बी ए माइनस बी एक्स बराबर साइन ए तो ए बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स बराबर साइन बी तो बी बराबर साइन और रूट एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन और एक्स का ये हो गया साइन और रूट एक्स का हो गया। किसी को दिख साइन और अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन टू फाइन डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए बच्चों ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स दोनों है इसमें, देख रहे हो ए प्लस एक्स भी है और ए माइनस एक्स भी है, तो एक्स की जगह ए कॉस थीटा रखेंगे इस स्थिति में, ए कॉस थीटा का मतलब ए का काम वन कर रहा है कॉस थीटा, क्योंकि अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा भी अगर होता है तो आप जानते हो क्या हो जाता है, वन प्लस कॉस थीटा है तो इसकी जगह लिख देंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और रूट टू कॉस थीटा बाई टू और वन माइनस कॉस थीटा है तो भी हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू रूट टू साइन थीटा बाई टू, हाँ कॉस टू थीटा भी रख सकते हो। तो एक्स बराबर हम कॉस थीटा रखेंगे, देखिए रूट ए प्लस एक्स है रूट ए माइनस एक्स है तो एक्स बराबर कॉस थीटा क्योंकि ए का काम एक करना है। तो वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा या अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा। बस ये ध्यान रखना कि आपको बहुत बड़ा नहीं करना, ब्रेन का यूज करना, किस तरीके से हम ऐसा सेट कर लेते हैं जिससे अवकलन आसानी से हो जाए। अब यहां देखिए साइन इनवर्स
अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा का सूत्र टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और इसका मान टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे टू। अभी हो जाएगा साइन इनवर्स वाई बराबर रूट टू कॉस थीटा बाई टू रूट टू साइन थीटा बाई टू बटे टू। अब अलग अलग करते हैं हम लोग, अलग अलग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू कॉस थीटा बाई टू वन अपॉन रूट टू साइन थीटा बाई टू, क्योंकि रूट टू बाई टू करेंगे तो वन अपॉन रूट टू। ध्यान दीजिएगा किस तरीके सवाल जा रहा है अच्छे ढंग से, और ये रूट ए प्लस भी है रूट ए माइनस भी है तो x बराबर a cos theta a का मान है, क्योंकि वन प्लस देखिए यही एक तरीका है जिसमें आप दोनों प्लस में और माइनस दोनों में सूत्र बनता है, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा दोनों सूत्र बनता है। तो वन प्लस कॉस थीटा इसलिए ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स होने पर एक्स बराबर ए कॉस थीटा। अब यहां देखिए रूट टू कॉस थीटा बाई टू रूट टू साइन थीटा बाई टू अलग अलग की वन अपॉन रूट टू कॉस थीटा बाई टू वन। अब देखिए अब साइन इनवर्स है साइन का सूत्र बना देते हैं, देखिए कैसे साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू का मान है कॉस थीटा बाई टू वन बाई रूट टू कॉस पाई बाई फोर साइन थीटा। देखिए सूत्र बन गए वन बाई रूट टू को साइन पाई बाई फोर इधर वन बाई रूट टू को कॉस पाई, क्यों ऐसा किए जिसे सूत्र बन जाए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन इनवर्स था साइन का सूत्र बनाए, अगर यही कॉस होता तो हम यहाँ कॉस पाई बाई फोर लिखते कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ वन में साइन इनवर्स दिखा इसलिए मैंने साइन का सूत्र बनाया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सूत्र बना आपका साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। सूत्र किसका बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। अब साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाए वाई बराबर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। अब थीटा की जगह क्या रखे हो एक्स बराबर कॉस थीटा थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, या थीटा की जगह रख दीजिए वाई बराबर पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई पाई बाई फोर का जीरो हो जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स का माइनस हो जाता है, जानते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आ गया वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से समझते हैं बच्चों इसको, साइन वर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट माइनस एक्स है तो बेटा एक्स की जगह कॉस थीटा रखें, क्योंकि ए प्लस एक्स भी है ए माइनस एक्स भी है। कॉस ही ऐसा होता कि वन प्लस कॉस थीटा भी सूत्र टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बनेगा, वन माइनस कॉस थीटा भी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स है तो हमने रखा कॉस थीटा, तो एक्स बराबर कॉस थीटा रखा तो वन प्लस कॉस थीटा और यहाँ वन माइनस कॉस थीटा तो रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो रूट टू कॉस थीटा बाई टू माइनस रूट टू साइन थीटा बाई टू अलग अलग कर दिया, वन अपॉन रूट टू कॉस थीटा बाई टू माइनस वन अपॉन रूट टू साइन थीटा बाई टू। अब चूंकि यहाँ साइन वर्स देखा तो देखिए वन अपॉन रूट टू यहाँ भी है यहाँ भी, तो यहाँ साइन पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर मतलब साइन पैंतालीस डिग्री का मान एक बाई रूट टू होता वन बाई रूट टू, तो साइन पाई बाई फोर कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस पाई बाई फोर साइन थीटा बाई टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी साइन वर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे और इसका होता है अवकल गुणांक माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। देखिए वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स की पावर एक बटे तीन प्लस ए की पावर एक बटे तीन बटे वन माइनस एक्स की पावर एक बटे तीन एकदम। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र है। देखिए एक्स का काम ये कर रहा है वाई का काम है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र है। लेकिन आप क्या करेंगे इसको टेन ही मान लेंगे इसको टेन भी, माना एक्स की पावर एक बटे तीन बराबर टेन ए, तो ए बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की पावर एक बटे तीन और ए की पावर एक बटे तीन हो जाएगा टेन बी, तो बी बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई थ्री राइट।
अब ध्यान दीजिएगा हर बच्चा, ऐसा क्यों माने जिससे सूत्र बन गया, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी। थीटा और फाई भी मान सकते थे आप, वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये बनेगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। सूत्र बन गया ये टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी। अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, इसको ज्यादा से ज्यादा समझना है कि ऐसा क्यों किए। टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी का सूत्र, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा हो जाएगा वाई बराबर वाई प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू रख दीजिए, टेन इनवर्स एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स ए की पावर वन बाई थ्री। अगर दिमागी बच्चा है तो तुरंत समझ जाएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र, एक्स का काम एक्स की पावर एक बटे थ्री और वाई का काम टेन इनवर्स ए बाई थ्री। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको टी मानेंगे, टेन इनवर्स टी का होता है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, एक्स की पावर एक बटे तीन का स्क्वायर, और डी डी एक्स आप एक्स की पावर एक बटे तीन, और ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा। टेन इनवर्स ए की पावर वन बाई थ्री जो एक कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा ये अचर है, तो टेन डी डी एक्स आप एक्स की पावर एक बटे तीन का हो जाएगा, एक बटे तीन एक्स की पावर एक बटे तीन रेड एक, नीचे वन प्लस एक्स की पावर दो बटे तीन, तो एक बटे तीन एक्स की पावर रेड दो बटे तीन, नीचे वन प्लस एक्स की पावर दो बटे तीन। अब चाहे तो रेड दो बटे तीन को नीचे लेते आइए, ऐसे लिख दीजिए डी डी एक्स आप वाई बराबर वन बाई थ्री एक्स की पावर टू बाई थ्री इन ब्रेकेट वन प्लस एक्स की पावर टू बाई थ्री। y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, आपको डी डी एक्स आप वाई चाहिए। हर बच्चा ध्यान देगा, आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह एक टेन थीटा या एक कॉट थीटा रखते हैं, एक कॉट थीटा भी रख सकते हैं, टेन थीटा, क्योंकि उससे क्या होगा सूत्र बन जाता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का मान लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए एक का काम वन कर रहा है, तो आप प्रतिस्थापन करेंगे एक्स के जगह टेन थीटा रखेंगे, क्योंकि एक का काम तो वन कर रहा है, तो एक्स के जगह टेन थीटा रखेंगे, तो टेन इनवर्स अंडर रूट कॉट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कोशिश की अगर कॉट रखो टेन रखो दोनों से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स के जगह टेन थीटा रख दिए, अब वाई वाई बराबर हो गया बच्चों टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सब जानते हो सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा, यहां तक आ गया आपको अंडर, ये इसी कारण है फायदा है कि अगर आप साइन रखते तो थोड़े वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते थे, तो टेन रखने से अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा कन्वर्ट हो गया। अब सेक थीटा को लिख सकते हम लोग वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन, और नीचे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अभी हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, y बराबर टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए वन प्लस कॉस थीटा का सूत्र आप सब जानते हो, बहुत यूज होता है इसमें, टेन इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा का टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का टू कॉस को थीटा बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, एक कॉस से एक कैंसिल, तो बचा क्या वाई बराबर टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई टू। आपको मैंने बताया था जब भी यहाँ टेन इनवर्स यहाँ कॉट हो तो आराम से चेंज कर सकते हो इसको, वाई बराबर टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ये थीटा है कॉट थीटा बाई टू को लिख सकते हैं, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू कॉट थीटा बाई टू होता है, तो वाई बराबर आ गया आपका पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, वाई बराबर आ गया आपका पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स,
क्योंकि आपने यक्स बराबर टेन थीटा रखा था, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, पाई बाई टू का तो जीरो, वन बाई टू वन प्लस यक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स यक्स का आप जानते हो वन अपॉन वन प्लस यक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया। यही निकालना है, देखिए वाई बराबर साइन इनवर्स पांच बटे तेरह यक्स प्लस बारह बटे तेरह अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये इसका समझने का बहुत ध्यान रखिएगा क्यों ऐसा होगा। आप देखिए यहां, देखिए पांच बटे तेरह, यहां बारह बटे तेरह है, ध्यान समझिएगा। अब यहां साइन एक कॉस भी मैं बनाना चाहता हूं, तो दिमाग लगाएंगे अगर मैं इसको साइन अल्फा मान लू पांच बटे तेरह को, साइन अल्फा पांच बटे तेरह, तो कॉस अल्फा का मान होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अंडर रूट वन माइनस पांच बटे तेरह का स्क्वायर, तो वन माइनस पच्चीस बटे एक सौ उनहत्तर, एक सौ चौवालीस बटे एक सौ उनहत्तर, बारह बटे तेरह। अगर ये साइन अल्फा हो जाएगा तो कॉस अल्फा हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर इसको साइन माने तो यक्स को कॉस मानना पड़ेगा, कॉस थीटा। देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा हर बच्चा, यक्स कॉस थीटा क्यों ऐसा मेरे दिमाग में आया, हम इसको साइन अल्फा मानेंगे तो ऑलरेडी ये कॉस अल्फा हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का सूत्र बन जाएगा, क्योंकि यक्स कॉस होगा तो ये साइन हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूं, एक्स बराबर में कॉस थीटा मानूंगा। देखिए पांच तेरह बारह तेरह है, देखिए ये, देखिए इसको आधार, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा इस तरीके से पहले भी आप पढ़ चुके हो, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के रूप में रहता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड कर देते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए दिमाग लगे साइन इनवर्स, इसको पांच बटे तेरह को साइन अल्फा, एक्स को कॉस थीटा, प्लस बारह बटे तेरह क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा, तो वाई बराबर हुआ साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। तुरंत सूत्र बन गया आपका साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस थीटा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अल्फा और थीटा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू यहां देखिए साइन इनवर्स पांच बटे तेरह हो जाएगा, साइन इनवर्स पांच बटे तेरह और प्लस थीटा, थीटा का मान हो जाएगा, अब कॉस इनवर्स बारह बटे तेरह भी लिख सकते हो क्योंकि साइन इनवर्स पांच बटे तेरह बराबर कॉस इनवर्स बारह बटे तेरह, थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और इसका माइनस वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स आप वाई हो गया माइनस वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर समझने का प्रयास करिए, साइन इनवर्स फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व, देखिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो यक्स की जगह तुम साइन थीटा भी रख सकते थे, अगर यक्स की जगह साइन थीटा रख देते तो भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। यक्स की जगह साइन थीटा रखोगे तो हो जाएगा, यहां देखिए यक्स की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा तब इसको कॉस अल्फा मान लेते, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस ये देखो ये साइन थीटा, तो इसको कॉस अल्फा, एक कॉस अल्फा दे साइन अल्फा हो जाएगा। पांच बटे तेरह अगर कॉस अल्फा होता तो बारह बटे तेरह साइन अल्फा होता, तो साइन थीटा कॉस अल्फा, देखिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मैं इसको एक बार एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे तो वाई बराबर हो गया कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया वाई बराबर कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो गया वाई बराबर कॉट इनवर्स वन प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा हो तो आप जानते हो, अगर वन प्लस साइन थीटा हो तो क्या करेंगे हम लोग, कॉट इनवर्स वन प्लस साइन थीटा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, नीचे कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अभी cot रख देते तो ऐसा ना बनता, तब तो 1 plus cos theta ही बनता। लेकिन मान लीजिए आपने रखा तो कैसे करेंगे 1 plus sin theta का बता देते हैं। y बराबर cot inverse cos theta by 2 plus sin theta by 2 का होल स्क्वायर, नीचे एक ब्रेकर में cos theta by 2 plus sin theta by 2 और दूसरे ब्रेकर में cos theta by 2 minus sin theta by 2, और इससे कैंसिल हो गया तो y बराबर हुआ cot inverse cos theta by 2 plus sin theta by 2 बटे cos theta by 2 minus sin theta by 2। अब हम क्या करेंगे, ऐसा होने में किसका डिवाइड करते थे, cos theta by 2 का, याद होगा कई बार ऐसे कराएं, cos theta by 2 का डिवाइड करेंगे तो y बराबर हो जाएगा cot inverse 1 plus tan theta by 2 बटे 1 minus tan theta by 2। कई बार ऐसे क्वेश्चन लगवाए cos theta, अभी cot theta रखे थे बहुत छोटा हो जाता, अभी करा भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना कोई ऐसा नहीं कि नहीं आएगी इस तरीके, tan pi by 4 plus theta by 2। अब देखिए यहाँ tan आया और यहाँ cot inverse है, इसको लिख सकते हैं cot inverse cot pi by 2 minus pi by 4 plus theta by 2, cot pi by 2 minus theta होता है tan theta, cot inverse cot, अब मिलेगा क्या pi by 2 minus pi by 4 minus theta by 2, तो हो गया pi by 4 minus theta by 2, तो y बराबर होगा pi by 4 minus 1 by 2 theta का मान tan inverse x, तो d dx आप y हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर फाइव बाई फोर का जीरो, एक्स बराबर कॉट थीटा रखते तो वाई बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, तो वाई बराबर हो गया कॉट इनवर्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट इनवर्स 1 upon sin theta cos theta बटे sin theta, तो हो जाएगा cot inverse 1 plus cos theta बटे sin theta, 1 plus cos theta का सूत्र 2 cos square theta by 2, इसका 2 sin theta by 2 cos theta by 2, तो cot inverse cot theta by 2 हो गया थीटा बाई टू, वाई बराबर 1 बाई टू थीटा, थीटा का मान कॉट इनवर्स डी डी एक्स ऑफ वाई होगा माइनस 1 अपॉन 2 होगा। आगे क्वेश्चन, टेन इनवर्स ए कॉस वी एक्स माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटे बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ध्यान दीजिए कि हम करेंगे क्या, हम यहाँ जो है ए कॉस, मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम क्या बना, पहले कॉस एक्स का डिवाइड करते हैं, कॉस एक्स का डिवाइड क्यों करते हैं देखिए, जिससे आपका सूत्र बन जाए, देखो यहाँ बनेगा ए माइनस बी टेन एक्स बटे बी प्लस ए टेन एक्स, अभी देखते हैं क्या होता है, कॉस एक्स का डिवाइड कर दिए, कॉस एक्स का डिवाइड किए तो टेन इनवर्स ए ऋण बी टेन एक्स बटे बी प्लस ए, अब हम क्या करेंगे, बी का डिवाइड करेंगे आंसर में, अब बी का डिवाइड करने से क्या फायदा होगा देखिएगा, ए बाई बी माइनस टेन एक्स बटे, यहाँ चूंकि वन बनाना चाहते थे बी का डिवाइड ए बाई बी टेन एक्स, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले cos x का डिवाइड किए फिर यहाँ 1 लाना है तो b का डिवाइड किया आंसर में, अब a अपान b को हम tan a मान लेते हैं, tan a, a अपान b को tan a मानेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स tan a माइनस tan x बटे 1 प्लस tan a tan x, सूत्र बन गया तुरंत आपका tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, सूत्र बना आपका tan इनवर्स tan a माइनस एक्स, tan और tan खत्म, y बराबर a ऋण x
ए की वैल्यू रख दीजिए टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा वैसे भी आपको दिख रहा है एक्स, देखिए ध्यान दीजिए हर बच्चा ध्यान देगा, ए अपान बी को अगर हम मानेंगे वैसे भी देखिए एक्स रीड वाई बटे वन प्लस एक्स वाई दिख रहा है, तो टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, इसको टेन ए मान लिए, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी, तो टेन ए माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू रख दिए टेन इनवर्स ए बाई बी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन इनवर्स ए बाई बी कॉन्स्टेंट है जीरो एक्स का ये, तो डी डी एक्स आप वाई भी निकाल लिया, वाई बराबर साइन इनवर्स सिक्स एक्स माइनस फोर अंडर रूट वन माइनस टू एक्स का वर्ग। देखिए बच्चों ए स्क्वायर रेड एक्स स्क्वायर का रूप का बन रहा है, देखो ए स्क्वायर रेड एक्स स्क्वायर एक्स की जगह टू एक्स है, तो अब एक्स बराबर क्या मानते हैं ए साइन थीटा, तो यहाँ एक्स की जगह टू एक्स बराबर साइन थीटा, ध्यान दीजिए टू एक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे, इसलिए जिससे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, ध्यान देना बहुत जरूरी है इसको, ए स्क्वायर रेड एक्स स्क्वायर है एक्स की जगह टू एक्स है, टू एक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे, तो थीटा बराबर मान लीजिए साइन इनवर्स टू एक्स, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें रखते हैं वाई बराबर साइन इनवर्स, इसको देखिए थ्री इंटू टू एक्स लिख सकते हैं माइनस फोर अंडर रूट वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर अपॉन फाइव, अब टू एक्स की जगह हम साइन थीटा रख देंगे, वाई बराबर साइन इनवर्स, ऐसे ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन और किए थे, थ्री इंटू साइन थीटा माइनस फोर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे फाइव, अलग अलग करते हैं वाई बराबर साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव साइन थीटा फोर बाई फाइव कॉस थीटा, सेम अभी हुआ सेम ऐसे ही क्वेश्चन, बस अंतर क्या है अंडर रूट वन माइनस चार एक्स स्क्वायर था, वहां वन माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ चार एक्स स्क्वायर को टू एक्स का होल स्क्वायर, टू एक्स को साइन थीटा, थीटा साइन इनवर्स टू एक्स, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको साइन थीटा जिसको कॉस अल्फा मान लो, देखिए कॉस अल्फा मान लो थ्री बाई फाइव को, थ्री बाई फाइव तो फोर हो जाएगा पाइथागोरस, तो कॉस अल्फा को आपने माना है थ्री बाई फाइव, तो साइन अल्फा हो जाएगा फोर बाई फाइव, क्योंकि अगर हमको साइन का सूत्र बनाना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ देखिए वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा थ्री बाई फाइव कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, तो वाई बराबर हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस अल्फा, तो मिला आपको थीटा माइनस अल्फा, और अल्फा का मान कुछ भी रख दीजिए उसमें साइन टेन के पदों में लिख सकते हो साइन इनवर्स फोर वाई, तो कॉन्स्टेंट है जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए डी डी एक्स आप वाई करेंगे साइन वर्स टू एक्स का होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर और डी डी एक्स आप टू एक्स, इसका तो जीरो हो जाएगा, टू एक्स का टू बटे अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। देखिए एकदम उसी तरीके से सवाल लगाया जैसे पिछला था, बस अंतर क्या था यहाँ फोर एक्स स्क्वायर है, तो टू एक्स का होल स्क्वायर, टू एक्स को साइन थीटा मान लिए, तो थ्री इंटू टू एक्स यहाँ रख दिए टू एक्स की जगह साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, थ्री बाई फाइव साइन थीटा माइनस थ्री बाई फाइव, अगर कॉस अल्फा होगा तो साइन अल्फा होगा, तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा रेड अल्फा, थीटा की वैल्यू साइन वर्स टू एक्स माइनस साइन वर्स फोर बाई फाइव, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन वर्स फोर बाई फाइव जीरो आपका आंसर होगा।